हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टाइप कहानी लेकर आ गया हूँ। गाइस, हम सब अपनी ज़िंदगी से कभी कभी नाराज़ होते हैं और कभी कभी खुश हो जाते हैं। नाराज़ ज़िंदगी आज हमारी ये कहानी की नाम है। चलिए देखते हैं। अक्कू, हम लोग निकाह कब करेंगे और तुम अपने पापा को कब बताओगे? बता दूंगा राजिया, तुम टेंशन मत करो। पहले हम दोनों एक पोजीशन में पहुंच जाए, देन मैं इंडिया जाके पापा को बोल दूंगा। मेरे घर वाले राजी है, बस तुम्हारे पापा का परमिशन चाहिए। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरा बात कभी भी नहीं टालेंगे। रुको, मैं इंडिया पहुँच के पापा को बोलूँगा। तुम जब इंडिया चले जाओगे मैं तो अकेली हो जाऊंगी। तुम फोन पे ही बता दो हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। राजिया, तुम मेरे पापा को जानती नहीं हो। वो कुछ अलग टाइप के इंसान हैं। वो मुझे इंडिया से इतना दूर लंदन ओनली पढ़ाई के लिए भेजे हैं। और अगर वो अभी सुनेंगे कि मैं यहाँ प्यार मोहब्बत चला रहा हूँ तो वो गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अक्कू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आई लव यू। अरे राजिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बिलीव मी। और कुछ ही दिनों में हम दोनों निकाह कर लेंगे। अभी वो सब बात छोड़ो और चलो हम दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। नहीं नहीं, पहले शॉपिंग उसके बाद रेस्टोरेंट। राजिया, मैंने बहुत दिन तुम्हारे हाथ के गाजर के हलवा नहीं खाए है। तुम्हें जो पसंद है वो ले लो जल्दी से। ठीक है, मैं फटाफट शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन अक्कू, यहाँ पर तो गाजर कहीं नहीं दिख रही है। मैं तुम्हें बिरयानी और डिजर्ट के लिए आइसक्रीम बना के खिलाऊंगी। बहुत बढ़िया राजिया, शॉपिंग बहुत कर लिया, अब कहाँ रेस्टोरेंट में जाएंगे? तो हाँ चलो। राजिया स्वीट हार्ट, तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगी? कॉफी विद आइसक्रीम। अरे राजिया, मुझे पता था तुम्हारी फेवरेट कॉफी विद आइसक्रीम छोड़कर तुम कुछ नहीं ऑर्डर करोगी। मैं एक बात बोलता हूँ, आज कुछ न्यू टाइप ऑफ कॉकटेल टेस्ट कर लो। नहीं अक्कू, प्लीज तुम ऑर्डर कर लो, मैं तुमसे टेस्ट कर लूंगी। ओके बाबा, तुम रुको, मैं अभी ऑर्डर करके आता हूँ। ओह, कितनी बर्फ है, मुझे बहुत ठंड लग रही है अक्कू। अरे राजिया, 3 साल हो रहे हैं तुम लंदन में हो और तुम अभी भी लंदन के मौसम के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। अक्कू, टू मच कोल्ड, चलो कॉफी पीते हैं। मैं तुम्हें कुछ पिलाऊ, कॉफी से भी हॉट? क्या? अक्कू, तुम बहुत बेशरम हो गए हो, इट्स वेरी रॉन्ग। क्यों? सच कहूँ तो मुझे भी बहुत ठंड लग रहा था और तुमसे ज्यादा हॉट कुछ नहीं है मेरे सामने। राजिया, तुम्हें ये लव बोट पे कैसा लग रहा है? तुम्हारे साथ में जहाँ भी रहूँ वही मेरे लिए जन्नत है। कल हालात जैसा भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओ राजिया, थैंक यू फॉर दिस। कुछ दिन बाद तो न्यू ईयर आने वाला है और ऑफिस बंद ही रहेगा, तो हॉलीडे स्पेंड करने हम दोनों कहीं लंदन का बाहर चले। ये सक्कू, तुमने मेरे दिल का बात सुन लिया, हाउ स्वीट। ठीक है, वैसा ही होगा, मैं कल सब ऑनलाइन बुक कर लूंगा। ओके ओके। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल बोली। हाँ अच्छे, या अल्लाह ये कैसे हो गया। ठीक है अंकल, रुके रुके, हम कल ही आ रहे हैं इंशाल्लाह अंकल। ठीक है अंकल, ठीक है।
या अल्लाह आपका शुक्र है, टिकट कंफर्म हो गया कल इंडिया जाने का। मेरे लिए मेरा अब्बू ही सबसे पहले है। ओह या अल्लाह, रज़िया को भी बताने भूल गया इतने जल्दी जल्दी में। ठीक है, इंडिया जाके उसको फ़ोन कर दूँगा। अस्सलामुअलैकुम पापा, आप कैसे हैं? आपको हार्ट अटैक कैसे आया? कल मुझे वरुण अंकल का फ़ोन आया था और शुक्र है अल्लाह का कि टिकट मिल गया, वरना मैं तो पागल हो जाता। बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो एक प्रैंक था। प्रैंक? मुझे तुम्हें देखने का बहुत दिल था, इसीलिए मैंने वरुण को ये नाटक करने बोला। क्या पापा, आपने खुद का बीमारी का नाटक किया? अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? मुझे पता था कि मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये प्रैंक किया। आओ अपने अब्बू का गले तो लग जाओ, 3 साल बाद इंडिया आए हो। वन वीक हो गया पापा, और मैं बस एक ही हफ्ता रुकूंगा क्योंकि मुझे लंदन जाना है और मैं टिकट का अरेंजमेंट शुरू कर देता हूँ। क्या तुम फिर से लंदन चले जाओगे? नहीं नहीं, तुम और लंदन नहीं जाओगे, तुम शादी करोगे यहाँ ही और घर बसाओगे यहाँ ही। ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? इट्स नॉट पॉसिबल, मैं लंदन चले जाऊँगा, आप प्लीज़ मुझे मत रोकिए। नहीं बेटा तुम ऐसे मत बोलो, वरना मैं मर जाऊंगा, मेरा उम्र हो रहा है और मैं चाहता हूँ तुम मेरा आखिरी वक्त में मेरा सामने ही रहो। ओके पापा, नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ लंदन चलिए, मैं आपका भी टिकट बुक कर दूंगा और वैसे भी इंडिया में हमारा कोई तो है भी नहीं। बेटा ऐसा मत बोलो कि हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, इस घर को देखो बेटा, यहाँ तुम्हारी माँ की यादें हैं, तुम्हारे दादा का यादें हैं, तुम्हारा परवरिश छोटा से यहीं पे हुआ, पढ़े लिखे खाए पिए स्कूल गए, बेटा तुम यहीं रहोगे और मैं चाहता हूँ कि मेरा जब आखिरी वक्त हो तो यही हो बेटा। पापा आपने पहले मुझे एक ड्रामा करके इंडिया तो बुला लिया और अब बोल रहे हैं मैं और लंदन नहीं जा सकता, आपका इरादा क्या है? मुझे थोड़ा खुलकर बताइए तो। अकरम सुनो, मैंने तुम्हें लंदन से इंडिया क्यों बुलाया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त की बेटी से निकाह कर लो, वो बहुत ही शरीफ लड़की है, वो तुम्हारा और मेरा और इस घर का अच्छा से ख्याल रखेगी। इम्पॉसिबल पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ बनना है, मैं अभी बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। बेटा तुम जा सकते हो लंदन अगर तुम्हें लंदन में कोई पसंद है तो, मगर मैं चाहता था कि तुम मेरी दोस्त की बेटी के साथ शादी करके यहीं रहो, मगर अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं यहीं रहूँगा। और ऐसे भी मैं तो कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। अरे पापा आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है आप ही मेरे कमज़ोरी है। ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको सोचकर आंसर बताऊँगा। बेटा आज मैं अपने दोस्त के घर गया था, तुम्हारे बोलने से मैंने तुम दोनों का निकाह फिक्स करके आ गया हूँ, इस महीने की आखिरी में 28 तारीख को तुम्हारा और रुकैया का निकाह होगा। और क्या, जैसे आपकी मर्ज़ी। तब जाओ बेटा, कल या परसों मार्केट जाकर अपने लिए और मेरे लिए शादी का कुछ शॉपिंग करके आ जाओ, और रुकैया के लिए भी कुछ ले लेना। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्ज़ी।
अक्रम जी, मैंने आपके लिए दूध लाई हूँ, आप पी लेना। ए, क्या मैं तुम्हें दूध पीता बच्चा दिखता हूँ? मैं दूध क्यों पीऊँ? आज हमारा सुहागरात है और इसीलिए मैंने आपके लिए दूध लेकर आई थी। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरे पापा के खुशी के लिए मैंने तुमसे निकाह किया और तुम जैसी काली बदसूरत लड़की तो मेरी नौकर भी नहीं होगी। अब्बू ने तो मुझे खुद से ही पसंद किए थे आपके लिए। हाँ, तुम बस मेरी पापा की ही पसंद हो, मेरी नहीं। अब मेरा दिमाग और मत खाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। ए अल्लाह, मुझे इतना प्यास लग गई और मुझे किचन भी नहीं पता, फिर से मुझे उन्हें जगाना पड़ेगा। अक्रम जी, मुझे बहुत प्यास लग गया, आप मुझे एक ग्लास पानी पिला सकते हैं? क्या बात है, मैं सो गया था और पानी तो किचन में ही है, तुम जाकर पी लो। आप मुझे किचन से पानी लाकर दे सकते हैं? कल से मैं खुद से ही कर लूँगी। इस शादी का नाटक करते करते पूरा एक महीना हो गया। राजिया ने मुझे कितना कॉल किया फिर भी मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। क्या बोलूँगा उसे कि मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दिया है? ओफो, अब क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साला पापा का काम कितना बोरिंग है। लंदन में हम दोनों कितना खुश थे, इस पापा का बीमारी का नाम सुन के अगर मैं नहीं आता तभी अच्छा होता। धुश, वो पल भी कितना हसीन था। राजिया और मैं तुम्हारा बिना नहीं रह पा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया। मुझे अब पापा को बोलना ही पड़ेगा हम दोनों के रिलेशन के बारे में। अरे, आप यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाऊं? ए काली चमड़ी की भैंस, चल निकल मेरे आँखों के सामने से, हट। तू जब से मेरे ज़िंदगी में आई है तब से मेरा ज़िंदगी में भी काला धब्बा पड़ गया है। तू मेरे आँखों के सामने से निकल जा काली भैंस। पता नहीं क्यों तुझे देख के ही मुझे इरिटेशन होती है, निकल। अक्रम जी, आप शांत हो जाइए। I'm sorry अगर मैंने आपको इरिटेट किया तो। ठीक है, मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ। तू मेरे नजरों के सामने से ही नहीं, इस घर से निकल जा, अभी निकल जा। मुझे तुझे देख के ही इरिटेशन हो रहा है, निकल जा, अभी निकल जा, तू निकल जा। सॉरी, लेकिन शादी का एक महीना हो गया लेकिन आप मुझसे अभी भी अच्छे से बात नहीं करते हो, क्यों, ऐसा क्यों? और अगर आपको मुझसे शादी करने का दिल ही नहीं था, आपने मुझे क्यों शादी किया? और अब्बू तो खुद से मुझे पसंद किया था। मैंने तुम्हें शादी के रात में ही बोल दिया था कि तुम मेरी अब्बू की पसंद हो, मेरी नहीं। उतना दिल करे तो मेरे अब्बू के साथ घर बसा लो। छी अक्रम जी, अब्बू तो मेरे अपने अब्बा जान की जैसे हैं और आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सुनो मेरा बात सुनो, तुम यहाँ से नहीं मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना, मुझे तुमसे नफरत हो गया है। निकलो, निकलो अभी मेरे घर से, निकल जाओ, निकल जाओ। क्या हुआ अक्रम बेटा, रुकैया को इतना डांट क्यों रहे थे और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं अब्बू, कोई बात नहीं, वो तो बस अक्रम जी मुझसे बात ही कर रहे थे। बात कर रहा तो और इतना जोर जोर से, क्या हुआ अक्रम बेटा? मुझे लगता है रुकैया मुझसे कुछ छुपा रही है। छोड़िए ना अब्बू, कोई बात नहीं, आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। अब्बू, मुझे अब निकलना है, मैं अभी कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पी सकता,
और आप पी लीजिए कॉफ़ी, बाय। इतना काम पेंडिंग है, आपने इतना सालों से क्या किया था? बस मूढ़ी खा रहे थे क्या? क्या हुआ बहू, ऑफिस में तो उतना काम नहीं है और अकरम में बहुत गुस्सा है। खुदा जाने अब्बू किस बात से परेशान है। मैंने कितने अरमान लेकर अकरम जी से निकाह की थी, शायद मेरे नसीब में शौहर का प्यार है ही नहीं। अकरम जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें बेइज्जत होने का इतना शौक है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकलो मेरे सामने से। मुझे पता है आप मुझसे ऐसी ही बात करेंगे, फिर भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अब्बा जान का बहुत तबीयत खराब है। क्या हम दोनों एक बार के लिए अपने अब्बा जान के पास जा सकते हैं? ओफो, मुझे तुम पागल बना दोगी। तुम जाओ अपने बाप के पास, मुझे इन्वॉल्व मत करो, मैं नहीं देखना चाहता किसी को भी। असल में शादी का एक ही महीना हुआ, अगर मैं अकेली जाऊंगी तो क्या जाने मोहल्ला वाले कितने बातें सुनाएंगे। आप मेरे साथ चलिएगा तो थोड़ा सा हम लोगों का इज्जत बच जाएगा। प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक बात बोलूँ, तुम तो मेरी अब्बू की पसंद हो, तो अब्बू के साथ चले जाओ, मोहल्ले वाले कुछ नहीं बोलेंगे। और बाय द वे, मेरे बहुत काम है, मैं कभी नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। गुड नाइट, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये अल्लाह, आप मेरे साथ किस चीज़ का बदला ले रहे हैं? मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ? मेरा शौहर मुझे देखता भी नहीं, अब मेरे साथ ऐसे क्यों किया? अल्लाह बोलिए मुझे। अकरम बेटा, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा चाचा जान के पास जा रहा हूँ, और तुम दोनों का शादी हुए एक महीना हो गया, इसी बहाने तुम दोनों भी हनीमून पर चल जाओ। देखिए पापा, आपने अपनी मर्जी से मेरा शादी तो करवा दिया, लेकिन हनीमून नहीं, मैं हनीमून अपनी मर्जी से जाऊंगा। आप जाइए चाचा जान के पास, रह कर आइए कुछ दिन। ठीक है, जब तुम्हारा दिल होगा तुम रुकैया को लेकर हनीमून पर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और कल सुबह ही मैं निकल जाऊंगा। ओके पापा, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं काम पर निकलता हूँ, बाय। रुकैया बहू, मैं जा रहा हूँ, अपना और अकरम का ध्यान रखना। ठीक है अब्बू, आप भी अपना ध्यान रखना, और पहुँच के ही मुझे कॉल कर देना। अब्बू चले गए, 2 दिन हो गया, और अकरम जी भी देर रात को घर लौटते हैं। अकेले अकेले बोर हो जा रही हूँ, जाओ थोड़ा शॉपिंग करके आऊँ। अकरम जी के लिए कुछ गिफ्ट लेना है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं अकरम जी को क्या पसंद नहीं पसंद। मैडम जी, यहाँ पर काफी सारे चीज हैं, आपको क्या चाहिए? हाँ, आपका दुकान में तो काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें, मुझे 2 टॉवेल्स दे देना, बहुत प्यारा कलर है। मैडम आप ये साड़ी भी देख सकती हैं, आप पर बहुत जचेगा। हाँ, दोनों साड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे अभी फ्लावर वेसी लेना है। ओके मैडम, जैसी आपकी मर्जी, मैं अभी आपको दोनों फ्लावर वेस पैक करके देता हूँ। अरे अकरम जब आ गए, सॉरी, एक्चुअली मैं मार्केट गई थी और मैं बोर भी बहुत हो रही थी ना। ठीक है, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं बाहर से कॉफ़ी पी कर आया हूँ, और अपनी अब्बा जान से तुम मिलने गई थी क्या? नहीं, मैंने अब्बा जान से बात कर लिया, अब्बा जान का तबीयत भी ठीक है। ठीक है, मैं अभी अपने दोस्तों के घर जा रहा हूँ, शायद आज रात मैं नहीं भी लौट सकता हूँ। नहीं,
आप ऐसे मत कीजिए, आप रात में घर लौट आइए। मुझे अकेले बहुत डर लगता है और मैं आपके बिना इस घर में कैसे रहूँगी, अब्बू भी नहीं है। तुम कोई दूध पीते बच्चे हो क्या? हाँ, इतनी बड़ी एक काली भैंस हो गई हो और घर में अकेली नहीं रह सकती? और बात मत बढ़ाओ, मुझे जाने दो, मनुष्यत मत करो। तुम्हें तो देखकर शैतान भी भागकर चले जाएगा, भूत की तरह हो तुम। आपने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मैं क्या करूं, मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है, और अब्बू ने बोला था आपका ध्यान रखने, इसीलिए मैं और भी परेशान हो रही थी। अब्बू को शुरू से ही पता है मैं फ्रेंड्स के घर में कभी कभी रह जाता हूँ। तुम और मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे जाने दो, और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 1 month हो गया, मैंने अक्कू को कितना फ़ोन किया, कितना मैसेजेस किया, मगर उसने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। क्या हो सकता है, कोई सीरियस मैटर तो नहीं है? अक्कू ने तो मुझे बिना बताए इंडिया चले गया, उसने मुझे धोखा तो नहीं दिया? कुछ भी हो, मैं अक्कू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, मैं कल ही इंडिया जाऊंगी। मेरे पास तो अक्कू का 2 documents का जेरोक्स है, मैं उससे ही अक्कू का घर का पता लगा लूंगी। हाँ, मैं अभी इंडिया जाने के लिए टिकट बुक करती हूँ, और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इंडिया तो मैं आ गई, मुझे अब अक्कू के घर जाना पड़ेगा। भाई साहब, क्या आप मुझे इस पेपर में लिखी हुई एड्रेस पर ले जा सकते हैं? जी मैडम जी, ये तो दिल्ली का ही एड्रेस है, आप एकदम ठीक जगह पर आए हो। आप अपना पता पर आ गए हैं, एड्रेस का हिसाब से यही घर है। थैंक यू भैया। जी, आपको किससे मिलना है? ये क्या अकरम का घर? जी हाँ, यह अकरम जी रहते हैं, और आप कौन? अकरम जी क्या घर में है? मैं उसकी फ्रेंड हूँ राजिया, आप उसे आवाज़ दे दीजिए। और मैं लंदन से आई हूँ अकरम जी से मिलने, बहुत अर्जेंट है। अरे, आप अकरम जी का फ्रेंड है? आइए ना, अंदर आइए, आपको तो मैं बाहर में ही सब सवाल पूछ रही हूँ। रुकिए, बाहर किससे बात कर रही हो? अकरम, मैं राजिया। अरे राजिया, तुम इंडिया कब आई? और राजिया, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, मुझे प्लीज बताओ, मैं बहुत खुश हूँ। आई मिस यू टू मच राजिया। तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो मुझे बिना बताए इंडिया चले आए थे। तुम्हें पता है मैं तुमको लेकर कितनी परेशान थी, इसलिए मुझे इंडिया आना ही पड़ा। ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, और तुम्हारा कोई फ्रेंड भी नहीं है जिसे तुम्हारा इंडिया का एड्रेस पता है। आप दोनों बैठकर आराम से बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। वैसे ये कौन है अकरम? अरे राजिया, तुम इसके बारे में हटाओ तो, ये हमारी घर का बुआ है। वो मेरे पापा अभी चाचा के पास गए थे ना, और मैं अकेला था, इसीलिए इस बुआ को मेरे पास रख कर गए हैं। ये तुम्हारी बुआ है और इतनी सज धज के? अरे राजिया, बुआ मीन्स नौकरानी है, तुम्हें तो पता ही है इंडिया का नौकरानी लोग मालकिन से ज्यादा ही सचती है। ही ही, ओ रियली, तुम भी अकरम बहुत फनी हो। हे अल्लाह, आज मैं अकरम जी का नौकरानी बन गई, नहीं रहना है मुझे, और इस रिश्ते में नहीं रहना है। राजिया, अब तुम तो आ गई हो इंडिया में, एक काम करते हैं, हम दोनों कल या परसों ही लंदन चले जाएंगे और फिर शादी कर लेंगे। नहीं, पहले तुम्हारे पापा आएंगे, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद हम सब एक साथ लंदन चले जाएंगे। लेकिन शादी तो हम लोग लंदन में भी जाकर कर सकते हैं। अच्छा चलो, शादी का बात अभी हटाओ, तुम मेरे इंडिया आ गई हो और अब हम लोग दिल्ली का फेमस जगह में घूमेंगे, लेट्स गो। वैसे राजिया, तुम कहाँ रुकोगी?
क्यों, मैं इस घर में नहीं रुक सकती, और इतना बड़ा घर है और तुम्हारी बुआ भी तो है, मैं ये घर में ही रहूँगी। नहीं राजिया, तुम्हें नहीं पता लेकिन मेरे पापा इस सब मैटर में बहुत अलग ख्यालात का है, और तुम टेंशन मत करो, मैं यहाँ पर कोई अच्छा सा होटल तुम्हारे लिए बुक कर देता हूँ। ओके, एज योर विश। मैं तो ताजमहल को देखकर ताजमहल की फिदा हो गई। तुम्हें पता है राजिया, ये 7 वंडर्स में से एक है, और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ये ताजमहल बनाया था उनकी यादों में। और ये कैंडल लाइट डिनर तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी जान? बहुत खूबसूरत है मेरी जान, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ हूँ। राजिया, एक बात बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन काफ़ी रात हो गया है और तुम्हें अब अपने होटल में चले जाना चाहिए। मैं काम करता हूँ, तुम्हें तुम्हारे होटल में ड्रॉप करके अपने घर चले जाऊँगा। अभी तो अंकल भी घर पे नहीं है, तो मैं तुम्हारे ही घर चली जाती हूँ, और काफ़ी दिन हो गए हम दोनों एक साथ नहीं रहे। नहीं राजिया प्लीज़, तुम होटल में ही चले जाओ, मेरे घर इट्स नॉट पॉसिबल। वो एक्चुअली मेरी बुआ घर में है ना, इसीलिए तुम होटल में ही चले जाओ प्लीज़। क्यों, बुआ क्यों रात में रहेगी, वो तो बस सुबह काम करेगी उसके बाद चली जाएगी। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, वो तो काम वाली है, नहीं मैं उसको भगा दूंगी। राजिया, तुम्हारा होटल आ चुका है, तुम प्लीज अपने रूम में चले जाओ, समझने की कोशिश करो, तुम कभी और मेरे घर आ जाना, बाय। ओके, सी टुमारो। वाओ, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। आई लव यू ओकरम। अकरम, तुम कल अपनी बुआ को आने मना कर देना, हम दोनों कल एक साथ तुम्हारे घर में रहेंगे, और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। बाहर घूमते घूमते मैं थक गई हूँ, और बाहर का खाना खाते खाते मेरा जी भर गया है। ओके बाबा, जैसी आपकी मर्जी, रुकियो के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? और वैसे अंकल कब लौटेंगे? वो मेरे चाचा के घर कश्मीर में है, और वो भी आने वाले नहीं है, वो लगता है और 1 से 2 महीना वहाँ पर ही रुकेंगे। तो फिर चलो हम लोग कश्मीर चले जाते हैं, एंड मुझे कश्मीर देखने का बहुत शौक है, और मैं अंकल से भी मिल लूँगी। मेरे पापा के बिजनेस का पूरा जिम्मेदारी अभी मेरे ऊपर है, और अगर मैं चले जाऊँ तो उस तरफ कौन ध्यान देगा? इट्स इम्पॉसिबल राजिया। तुम्हारे लिए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है दोस्त, मैंने इंडिया आके गलती कर दिया, तो अब मेरा होटल आ गया है, मैं चलती हूँ। रुकियो, क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। जी बोलिए, क्या बात है? मैं आ गई। देखो, कल मेरी फ्रेंड राजिया मेरे साथ पूरा टाइम स्पेंड करना चाहती है, और वो तुम्हें ज़्यादा पसंद भी नहीं करती और तुम्हें देखना भी नहीं चाहती है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कल पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहो, मैं तुम्हें बाहर से लॉक कर दूंगा। जैसे आप ठीक समझे। अकरम, मैं बिरयानी बनाऊंगी, फ्रिज में सामान है या तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा? अरे राजिया, मेरा फ्रिज हर टाइम भरा हुआ रहता है, और जो है उसमें ही काम चला लो ना प्लीज। वाओ, मूवी कितना रोमांटिक, मेरा दिल में कुछ कुछ हो रहा है। इस बंद कमरे में मेरा तो दम घुट रहा है, और मेरा पास कुछ खाने पीने का भी सामान नहीं है, और मुझे यहाँ नहीं रहना, आज ही मुझे कुछ डिसीशन लेना पड़ेगा। अकरम, मैं आज खुद ही होटल चली जाऊंगी, और तुम्हें आने का ज़रूरत नहीं है, और आज तुमने मेरे लिए बहुत किया। सच में राजिया, आज हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया, इट्स अ मेमोरेबल डे इन माय लाइफ, और एक बात याद रखो, पहुंच के मुझे फ़ोन करना, भूल मत जाना, बाय। भैया आई एम सॉरी, वो एक्चुअली आज राजिया का जाने का दिल ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे भेज दिया, तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रहा होगा,
तुम कुछ खा लो जाकर। हाँ अक्रम जी, मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ और मुझे प्यास भी बहुत लग रहा है। प्लीज़ तुम आकर पानी पी लो। अक्रम जी, अब्बू कभी नहीं चाहेंगे कि आप मुझे तलाक दो, इसीलिए मैं ही आपको तलाक देना चाहती हूँ। इसमें शायद अब्बू समझ जाएंगे कि मैं खुद ही आपका साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ओ रुकैया, तुमने तो मेरा मुंह का बात छीन लिया। थैंक यू वेरी मच। कब दोगी तुम मुझे तलाक? जी मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी और मैं आपको तलाक का पेपर भेज दूँगी, आप साइन कर देना और राजिया जी से शादी करके हमेशा के लिए दोनों खुश रहना। ये क्या रुकैया, तुम खाली हाथ क्यों जा रही हो? अपना सामान पैक कर लो। और बाय द वे, तुम जा कहाँ रही हो अपने मायके? जी अक्रम जी, हम इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही लौटते हैं, और मेरा यह ऐसा कुछ सामान नहीं है जो मैं लेकर चलूं। अलविदा। ओफो, मैं कभी भी रुकैया को खुशी नहीं दे पाया हूँ और राजिया को भी इस तरफ धोखे में रख रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ। अभी अगर मैं राजिया को रुकैया के बारे में कहता हूँ तो उसका दिल टूट जाएगा, और अगर रुकैया को मैं रोकता हूँ तो वो कभी नहीं रुकेगी। मैं ही गलत था, लगता है पापा यहाँ पर होते तो थोड़ा मदद हो जाता। क्या करूँ अब मैं? अगर मैं पापा को पहले बता देता राजिया के बारे में तो दो जिंदगी बच जाती। मुझे बता देना चाहिए था, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। नहीं, जितना भी हो रुकैया मेरी बीवी है और मैं उसे अकेले में इस तरह तन्हाई में नहीं छोड़ सकता। राजिया बहुत स्मार्ट है, उसे कुछ नहीं होगा, वो मेरी बात को समझेगी। रुकैया कहाँ जा सकती है? शायद बस स्टॉप, मुझे जल्द से जल्द बस स्टॉप जाना होगा। अंकल अंकल, क्या ओल्ड दिल्ली जाने वाली बस निकल चुकी है? अरे बेटा, अभी अभी तो बस चले गई, तुम्हें अब कल ही बस मिलेगी ओल्ड दिल्ली जाने वाली। अरे रुकैया, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर जाने वाला बस तो निकल गई, अब तुम क्या करोगी? वही तो मैं सोच रही हूँ अक्रम जी, मैं कहाँ जाऊँ? एक बार जब बेटी का निकाह हो जाता है तो उसके लिए उसका ससुराल ही इम्पोर्टेंट होता है, मायके नहीं। और मायके जाके मैं क्या बोलूँ, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपका घर छोड़ दिया। तो फिर तुम कहाँ जाओगी रुकैया? कोई जगह भी तो नहीं है। एक जगह है जहाँ तुम रह सकती हो। कहाँ? तुम मेरे घर रुक सकती हो, तुम अभी भी उस घर की बहू हो। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में और लौटना नहीं चाहती हूँ। कल फिर आपका फ्रेंड आएगी और आप मुझे बोलिएगा दिन भर घर में बंद रहो, मुझे ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए। देखो रुकैया, ये मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अभी भी तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं काली बदसूरत और मैं आपकी लायक भी नहीं हूँ। तुम मेरी जान हो रुकैया, तुम्हें अगर घर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मुझे भी उतना घर जाने का कोई शौक नहीं है। चलो हम दोनों कश्मीर चलते हैं, पापा से मिल लेंगे, पापा भी खुश हो जाएंगे और हम दोनों वहाँ पर हनीमून भी बना लेंगे। आप भी ना। सो गाइस, आपको नाराज जिंदगी का फाइनल पार्ट कैसे लगा हमें कमेंट में प्लीज़ बताना। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, और गाइज ये कहानी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना मत भूलना।